ओ भाई साहब, आज दीपक भाई को भूत ने पकड़ लिया। देखा आपने? वही देखना, अभी देख रहा ना। कुछ दूर चलते ही नाक में तो होगी तेरी, है ना? जुकाम हो रहा है। जुकाम जुकाम हो गया तो ये नेजल ड्रॉप डालते हैं। बहुत डिमांड रहती थी आपकी कि भाई इसका व्लॉग शूट करना, जो आप जाते कैसे हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। तो देखना आप गंजे हम कैसे पहुंचते हैं अपनी टाट लेके वहां पे। ये कॉलैब है एक एक्सप्लोरिंग इंडिया 2.0 आशीष के साथ। वो वेट कर रहा है हमारा, वो आया जरा घर से। तो चलते हैं यहाँ से सीधा, और दिल्ली की ही जगह है और कुछ नई चीज़ हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं इस बार। क्या करने वाले हैं हम? आशीष की पहली इन्वेस्टिगेशन होगी ना ये? है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। तो आशीष की ये पहली इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी स्टडी के बाद। तो बड़ा ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है। वीडियो तो बहुत दिन पहले आ चुका होगा, ये व्लॉग आप बहुत दिन बाद देखेंगे, लेकिन चलते हैं फिर, निकलते हैं सीधा और पहुंचते हैं। पहले तो आशीष को उठाते हैं, फिर यहाँ से जाना है अपने को हौज कास, दिल्ली का नंबर 3 हॉन्टेड प्लेस, संजय वन, और सबसे बड़ा भी कह सकते हो आप दिल्ली का हॉन्टेड प्लेस। तो वहाँ जाना है और चलते हैं। आजकल तो न्यूज भी आ रही है कि लेपर्ड वगैरह भी है वहाँ पे। हाँ भाई, असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर की साइड वाले एरियो में ना क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है चलो फिर चलते हैं। यही बता रहा है भाई आशीष, यहीं पे खड़ा है कहीं पे, ढूंढना पड़ेगा। है फोन करियो, स्पीकर क्या कह रहा है? हाँ भाई, कहाँ पर हो भाई? भाई ये बनती है ना पलम वाली। हाँ बोल चक्कर। हाँ जो फ्लाईओवर के नीचे है। हाँ फ्लाईओवर के नीचे हम भी यहीं खड़े हैं, भगत चंद्रा के पास। हाँ तो यही खड़े भाई। ये खड़ा, ये खड़ा, ये खड़ा। हाँ बेटे ये रहा भाई, ये रहा। अरे खोल दिया। हाँ भाई क्या हाल है, क्या हाल है? अंधेरा हो रहा भाई, लाइट मार इसके मुंह पे। ये लो। और बता। बस बढ़िया भाई, तुम बता दो कहाँ जा रहा है? मैं बस एक हॉन्टेड लोकेशन शूट करने जा रहा हूँ भाई। भाई मेरे को भी ले ले यार साथ में। तुम्हें तो लेके जा रहा हूँ। मैंने बता दिया कि ये पहली इन्वेस्टिगेशन होगी अच्छे से। हाँ, आशीष की अपने नए चैनल पे, नए चैनल पे आशीष एक्सप्लोरिंग इंडिया 2.0। तो मैंने कहा बिहाइंड द सीन व्लॉग भी शूट करते हैं भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बनता है। चले फिर, चलो जाम तो नहीं मिलेगा आज भाई, कह नहीं सकते अभी। है दिल्ली, दिल्ली का जाम डायलॉग बड़ा गंदा आ रहा है। यार भाई जाम जूम तो नहीं मिला, अपन पहुंच गेला है कहां पर? ढोलक वो आने वाला है। हाँ आगे से, आगे से एक ना राइट टर्न है, बस वहां ना मिले वसंत कुंज वाली साइड। जाम इसलिए भी नहीं मिला भाई, 11:30 बज रहे हैं, रात का टाइम हो गया ना, रात का टाइम हो गया, 12 बजे तक पहुंचना है अपने को। मैं तो ये सोच के निकला था कि आराम से चलेंगे, 12 बजे से वीडियो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन भाई दिल्ली खाली मिली है, टाइम ही नहीं है ना जाम का, पता ही नहीं चला भाई कब में काम ही क्या है। ये बताओ ना। नहीं ये तो बहुत का काम है हमारा, नहीं है सिर्फ हमारी जो बातें वो लॉजिक वाली है। तो हमारा ये काम है ना भाई, ये हमारी बातें लॉजिक वाली है ना, लॉजिक की बात करूं, लॉजिक पे काम करूं, समझ गया। तो भाई यहां से अपने को राइट लेना ना, मैं इधर की साइड से बहुत कम आया हूं, यहाँ से राइट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर लेफ्ट, और संजय वन आ जाएगा। पार्टी हो रही, पार्टी पीछे भाई, हम भी तो जा रहे हैं पार्टी करने, क्राउड का। हाँ हमारी पार्टी ये है भाई, हमारी ये पार्टी है, पार्टी विद घोस्ट, पार्टी विद घोस्ट। जे भाई पकड़ ना ले इस बार, पकड़ के ना बिठा ले मैं कहीं। लास्ट टाइम तू भी बड़ी मस्ती मार के आया था ना संजय वन में, हम भी वो चढ़ा के आए थे लास्ट टाइम भाई।
डिनर विनर करा था। इस बार बोले यार मैं जब से वेट कर रही हूँ भूख की मर गई है भाई, यहाँ हमेशा थोड़ा जाम मिलता है, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज्यादा मतलब कंजस्टेड है वाली जगह ना, हमेशा जाम मिलता है हमेशा। तो भाई हम संजय उनके ना पीछे वाले गेट से जा रहे हैं, और पीछे ना हट्स बने हुए हैं थोड़े से ना, यहाँ पे चाइनीज वैन वैन ये सब लगा हुआ, अच्छा क्राउड आता है, देखते हैं उधर की साइड ही गाड़ी खड़ी कर देंगे और आधा एक किलोमीटर पैदल चलना है उस लोकेशन के लिए। हमारी वीडियो में यार बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है यार, ऐसा क्यों? गलत थीम चुन लिया बंदे, ठीक है साढ़े घर बैठे बैठे वीडियो बना रहे हैं यार। अरे वो छोड़ तू, बैठ के भूत की कहानी बता दे उसमें देख तू यार मिलियन व्यूज। लेकिन अपना अलग काम नहीं है वो, तो ठीक है अब ऑडियंस की हमारे से एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है ना, हम कहानी सुना देते तो अरे भैया यार ये क्या भाई, क्योंकि हमने ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा था रियल में, पहले हमने उनको इतना वो देखा ना ठीक है, ये चाह रहे हैं मर जाए हम जाके, उस दिन खुश हो जाएगी हमारी ऑडियंस, भूतों को लेके आ ही जाएंगे ये वहां, ये चाहते हैं वापस ना आए सारा, इसी जगह चला जाए भूत पकड़ी ले, भूत पकड़ी ले वो वीडियो वायरल हो जाएगी उनको घंटा मतलब नहीं हमसे, तुम एक बात बताओ मतलब भूत मिल जाए वो, जैसे अगर भूत ने बोले ओ भाई साहब आज दीपक भाई को भूत ने पकड़ लिया, देखा आपने 3 फुट ऊपर उठाया था भूत ने, ओ भाई कमेंट में मर गए वो, कमेंट में 3:45 पे देखो आप दीपक भाई को 5 फुट ऊपर उठाया गया है, और वो बस इतना ही बोलेंगे ओ शिट अब वीडियो नहीं हो पाएगी, आर आई पी भाई। अगले दिन वापस दीपक भाई हंटेड प्लेस पे, अरे ये क्या हुआ भाई, कैसे आपने कैसे भूत के चुंगल से बाहर आए कैसे, तो वो अलग कहानी बताएंगे हम, वो फिर भूत से सिफारिश करी, फिर बोला भूत को मनाया थोड़ा बहुत और भूत बातें करी, उसने भूत ने छोड़ दिया फिर, और राकेश को थोड़ी देर के लिए सौंपना पड़ा हमें राकेश मतलब रियल हीरो, देखो अब आते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, असली हीरो है राकेश जो हमें वहां से बचा के लाया, मेरे तो कोई रोल ही नहीं है ना भाई, बच गए राकेश की वजह से, हम तो दूर थे बस चिल्लाने की आवाज आई 2-3 भाई आ गया, फिर थोड़ी देर में ऐसे लग रहा था चलो भाई आगे, थैंक यू भाई आपने बचाया हमें तो भाई जोक्स अपार्ट, कोई भी सीरियस ना ले इन बातों को, इन बातों से हमारा कोई भी वास्तविकता से हमारा कोई इन बातों से हमारा कोई भी संबंध नहीं। अच्छा भाई थोड़ी सी ना लाइट अपग्रेड कराई है मैंने गाड़ी की, तो अभी देखो ये नॉर्मल लाइट है, और अब देखो आया मजा है भाई, और अंधेरा होगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ नहीं वैसे लग रही है ना अभी ये, अब यहाँ पर थोड़ी रोशनी है तब समझ नहीं आई, ये है इसकी नॉर्मल हेडलाइट, ये यहाँ पे अंधेरा होता ही नहीं ना साड़ा, कभी गाड़ी निकल जाए तो दिखेगा शायद है ना, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल जिंदगी, और ये हैपीडेंट खाओ तो भाई अच्छी है लाइटें, तो भाई पहुंच गए हैं कहां पे, संजय वन पहुंच गए हैं, आज क्राउड नहीं है यार, क्या चक्कर है भाई, वीकेंड है क्या आज, देख लो भाई ऐसे जाते हैं हम किसी भी हॉन्टेड प्लेस पे जाते हैं तो मस्ती मारते हुए फुल फन करते हुए, अभी थोड़ा फन करते हुए बचा के यही लाएगा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं तुमने जो बोल दिया ना वो एक दो लाइनों में, हां जी अंकल जी हैं पैसे तो चाहिए अंकल जी आपको, बाद में नहीं, अच्छा अभी चाहिए, कितना लगा हमें, 1 घंटा, कितनी देर हो आप, 1 घंटा 20 रुपये, 20 रुपये चाहिए अंकल जी को, पार्किंग के पैसे दे रहे हैं भाई
ना मेरे को बुल्ले होंगे है बुल्ले थैंक यू धन्यवाद आपका ओके सर थैंक यू तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं बिकॉज 8-9 मिनट हैं अभी 12 बजे में अंकल 12 बजे तक ही होती है भाई ने इसलिए जा रहे हैं चलो भाई मिलते हैं आफ्टर शूट थोड़ा सा अंदर का दिखाता हूँ आपको फिर आफ्टर शूट मिलते हैं आपसे मतलब इधर जंगली जानवर हैं आप देख सकते हो भाई कितने अंधेरे में आ चुके हैं हम मेन गेट हमसे थोड़ी सी दूर है उधर की साइड लेपर्ड्स ठीक है यहाँ बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ लिखा हुआ है ये देखो लाइट जलाई जैसी मैंने और भाई ओ हो ये देखो आधे क्या दिखा मैं दो दो कैट्स एक नीचे उतर गई ये ऊपर बैठी है भाई कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा फुल अंधेरा हो गया और आवाज़ें तुम सुन ही सकते हो जंगल की आ जाओ भाई लाइट किसके हाथ में है मेरे हाथ में क्या लाइट जलाए फिर अंधे उनको दिखा दे देखो भाई जंगल देखना ब्लॉग चैनल पे सोच भी नहीं दे सकते बिहाइंड द सीन डेंजरस हो जा रहे हैं लेपर्ड्स भी आ सकते हैं हां और यहां पे भी तुम्हें अंदर जाएंगे तो सुनाई दे जाएगी पिछली बार वाली आवाज में आपको हाउलिंग सुनाई दे गई होगी बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट रिजर्व है ठीक है यहां पे कई कई जगह ऐसी हैं और भाई यहां पे जैसे हम पहुंचे ना यहां पे ठंड हो गई है बहुत ज्यादा है ना ठंड लग रही है ना काफी ज्यादा राकेश ने तो भाई चढ़ा लिया राकेश ने तो मेन तो इसलिए पहना कि मच्छर ना काटे ऐसी जगहों पे डेंगू वाले मच्छर बहुत होते हैं ना हाँ बाकी ये देखो है मतलब ये बहुत ही ज्यादा घना फॉरेस्ट है ना ये यहाँ से वो निकल रहा है नाला सा आवाज भी हाँ दिन में तो भाई यहाँ पे पूरे बैठने बैठने की फैसिलिटी है दिन हाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं यहाँ पर क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे है ना बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके बट रात होते हैं वाइट साड़ी में अब एग्जैक्ट इस टाइम 12 बज चुके हैं जब यहाँ पे पहुँचे हैं 12 बजे हम अंदर घुसे हैं और अभी यहाँ से कम कितने अंदर आए वो मिनिमम जहाँ पे एक मज़ार भी बनी हुई है ना उधर बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं पैसेंजर लेवल में बहुत टाइम बाद कुछ हो सुपर बाइक्स की आवाज़ आई होगी बहुत दूर से कहीं से बाकी भाई रात को तो खतरा ही है यहाँ पे आना खचरे वचरे भी घूमते रहती हैं नहीं जानवर भी है ना मेरे को भाई सुपर बाइक की आवाज़ आई होगी बहुत दूर से कहीं मैं थोड़ा सा इसको अनकट रख रहा हूँ ताकि आपको टाइटल मैंने ये डाला है BTS बिहाइंड द सीन तो बिहाइंड द सीन आपको पता लगना चाहिए ना कि कैसे पहुंचते हैं हम कैसे जाते हैं हमारी जान कौन बचाता है वो तो आपने देख लिया अच्छा हम कहीं जाने से पहले भी ना इतने पॉजिटिव रहते हैं है बड़ा गाना बहुत गाना रिजर्व है बहुत गाना सामने ही दिखा लोगों को मुझे समझ नहीं आया हमने स्ट्रीट लाइट क्यों लगाई जब ये पार किया हाँ यार स्ट्रीट लाइटिंग तो होनी चाहिए मेन दिक्कत है ना बहुत बड़ा है कहीं भी लाइटिंग नहीं है मेरे को पता है लाइट क्यों नहीं है हाँ ये पार्क सिर्फ सुबह के लिए खुलता है हाँ ये तो सच है रात में कोई काम ही नहीं है शाम होते ही सूरज चलता ही बंद हो ये तो हर डीडी देख रहा भाई कितने अपने आप में खुशी है यहाँ से घुस नहीं सकते कितनी दूर तक क्या है हाँ हाँ काफ़ी अंदर घुस ही नहीं सकते इस वीडियो में तो आशीष के साथ हमारा कॉलैब है वरना हम दो ही बंदे आते हैं मेनली क्या होता है ना ज़्यादा बंदे इसलिए नहीं जाते वैसे जाना चाहिए ज़्यादा बंदों को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी जगहों पे साथ क्योंकि ना हॉन्टेड चीज़ होनी होगी तो वो एक के साथ भी होगी दो के साथ भी होगी तीन के साथ भी होगी बोलती थोड़ा नहीं तुम चारों मैं नहीं लड़ रहा लेकिन क्या होता है ना हम उस जगह को फील करना चाहते हैं अब और बंदों को साथ लेके आओगे ना तो आप उस जगह को फील कर उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उस समय बातें होगी ज़्यादा हाँ देख आगे देख के चल तू ये देखो मुझे भाप भी निकलने लग गई दिख रही है इसमें चलो इतना धुआं स्टोर मत किया करो नहीं भाई आज तक नहीं कराया तो
के देख भाई, लाइट हल्की सी होते ना आगे का पता नहीं चल रहा कहाँ चल रहा है। लाइट आगे रख, लोकेशन दिखा लोगों को, लाइट आगे रख। इधर पहाड़ियाँ होगी शायद अगर मैं सही हूँ तो। और चमगादड़ उड़ने लगे, उल्लू उल्लू है चमगादड़, उल्लू का बच्चा है तो छोटा सा दिखा दे इसमें। हम ही देख रहे हैं भाई, ये देखना हम ही देख रहे हैं ना। हाँ अगर कुछ ऐसे हिसाबों से माना जाए ना तो ये उल्लू भी होते हैं ना भाई, ये शैतान का पेट है, लूसीफर का। ये देखो इधर ये आ गया पहाड़ स्टार्ट हो गए यहाँ से, तो काफी रेनोवेट इसका नाम है। हाँ पीकॉक हिल्स। हाँ ये सब थी नहीं, ये सब जो लगाए ये तो थी। राहुली भाई पहुँच गए अपन, बहुत बहुत आगे आके अरावली हिल्स है ना। हाँ 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 पूरा ये सारी अरावलीस हैं, पहुँच गए भाई। और ये देखो एक और उल्लू, वही वही उल्लू सेम है, ये पीछे तो नहीं कर रहा हमारा, डिट्टो वही था भाई, साइज वही, कलर वही, ऊपर से प्लेन जा रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अब दिल्ली का नंबर 3rd हॉन्टेड प्लेस और इन्वेस्टिगेशन। वैसे भी हम लेट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं, तो हम वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करना, सब्सक्राइब अब तक जिसने नहीं किया ना सब्सक्राइब कर लेना, मज़ा बहुत आने वाला है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे आशीष के चैनल को, राकेश के चैनल को भाई भूत से बचाया, मतलब इसको तुम फॉलो नहीं करोगे क्या? तो भाई लव यू, टेक केयर, मैन ऑफ द सीरीज यही है भाई, बाय बाय। मजाक खत्म करते हैं और सीरियस होने का टाइम है, करते हैं यहाँ से सीरियस काम। लव यू।